आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। मैं पालतू जानवरों का बहुत शौकीन हूँ। दुर्भाग्य से मेरे पिताजी को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। निरंतर अनुरोधों के बाद मेरे पिताजी ने मुझे एक तोता दिलवाया। मैं तब 8वीं कक्षा में पढ़ता था और मेरा भाई हर समय मिट्टू, जो कि मेरा तोता, उसके साथ ही रहता था और हम लोग बहुत मज़े करते थे। लेकिन एक दिन खेलते समय एक दुर्घटना में मैंने अपने तोते को खो दिया। मिट्टू को हमने 5 महीने के लिए ही पाला था। बाद में मैंने एक कुत्ते के लिए पापा को कहा, लेकिन पापा ने सीधे सीधे इस बात को खारिज कर दिया। अपनी माँ के सामने लगातार रोते गिड़गिड़ाते रहने के बाद माँ ने कुत्ते के लिए मुझे पैसे दे ही दिए। और वो दिन भी आ गया जब मैंने अपने लिए एक छोटा सा पपी ले लिया। मेरे पिताजी ने मुझे डांटा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वो शांत हो गए। ये कहानी वास्तव में मेरे कुत्ते के साथ संबंधित है। मेरे कुत्ते का नाम टाइगर है। ये मेरा 14वां जन्मदिन था। सभी मेहमान और परिवार वालों ने मेरे जन्मदिन की पार्टी में भाग लिया और मैंने बहुत ही जश्न के साथ मनाया। लगभग 10 बजे जब सभी मेहमान चले गए, मेरा छोटा भाई टीवी देख रहा था और मैं मिले हुए उपहारों को खोल रहा था। अचानक मैंने टाइगर के गुर्राने की आवाज़ सुनी। टाइगर की आदत थी कि किसी के ना होने पर वो नहीं भौंकता था, पर पता नहीं क्यों वो क्यों भौंक रहा था। मैंने चिढ़कर उसे रोकने के लिए चिल्लाया, लेकिन वो नहीं रुका और गुर्राता रहा। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने सुन रखा था कि डिस्पोजेबल कैमरे के माध्यम से भूत को देखा जा सकता है। मुझे उपहार के रूप में मिले एक कैमरे से मैंने कैमरा पकड़ा और धीरे से उस जगह की ओर देखना शुरू किया जहां टाइगर भौंक रहा था। और जो मैंने देखा वो देखकर मैं हैरान और स्तब्ध रह गया। आप मानो या ना मानो, मेरे छोटे भाई को कोई सफ़ेद चीज अपनी चमकती लाल आंखों से लगातार घूर रही थी। मैंने उसकी फ़ोटो ले ली। फिर मैंने अपने भाई को बुलाया और उसे भी वो फ़ोटो दिखाया। वो भी ये देखकर बहुत चौंक गया और जो वो देख रहा था उसे बचा नहीं सका। दौड़ते हुए मम्मी पापा के पास गया और सब कुछ बता दिया। बाद में जब मेरे माता पिता मिले तो हमने उन्हें पूरी कहानी सुनाई। लेकिन तब फोटो मैंने जो लिया था उस पर नज़र गई तो वहाँ कोई भूत नहीं था। हम लोग डर गए और पूरी रात सोते रहे और लगातार अपने कमरे को देखते रहे। कुछ दिनों के बाद हम इस बारे में भूल गए। दोपहर की अच्छी धूप थी। मैं भी स्कूल से लौटा ही था और टीवी के सामने बैठ गया। बाद में जब मैं स्नैक्स खा रहा था तो मैंने वही गुर्राने की आवाज़ सुनी। मैं चौंक गया और बाथरूम की तरफ गया जहां मेरा कुत्ता लगातार गुर्रा रहा था। मैंने अपना बायां कोना बाथरूम के दरवाजे के किनारे पर रखा। मैं स्पष्ट रूप से अंदर किसी के चीज के ढकेलने की आवाज़ साफ तौर पर सुन पा रहा था। ये एकदम क्रिस्टल क्लियर था। मैंने शेल्फ से डिस्पोजेबल कैमरा निकाला और बाथरूम के अंदर देखने लगा। वो बहुत ही भयानक दृश्य था। एक सफ़ेद बादल जैसी चीज टाइगर को मार रही थी। मुझे नहीं पता कि वो क्या था। उसके हाथ और पैर थे लेकिन उंगलियां नहीं। मैं घबरा गया और माँ से शिकायत की। उन्होंने तुरंत ही मेरे हाथ में एक रुद्राक्ष की माला थमा दी। तब से वहाँ मैंने अपने घर में कोई भूत नहीं देखा। लेकिन मैं अभी भी अपने कुत्ते का शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे भूतों से मिलवाया। लेकिन अगले ही महीने मेरे पापा ने टाइगर को बेच दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। बारिश बहुत ही तेजी से लगातार
बरसे जा रही थी। मैं और मेरा दोस्त सुमित, हम दोनों मेरे घर पर थे और यहाँ वहाँ की बातें कर रहे थे। दरअसल सुमित का घर यहीं पास ही में है और सुमित मेरे घर आता जाता रहता है। अभी हम दोनों यहाँ वहाँ की बातें कर ही रहे थे कि तभी सुमित ने मुझसे कहा, भाई यार चल कहीं घूम कर आते हैं तेरी कार से, इस मौसम में घूमने का मजा आएगा। सुमित की बात में दम तो था, इस तरह से बारिश में ड्राइविंग का मजा ही अलग होता है और एक तरह से ये एक एडवेंचर भी हो जाएगा, तो काफी मजा आएगा। ये सोचकर मैंने सुमित को हाँ बोल दिया। फिर क्या था, हम ज्यादा कुछ सोचे समझे बगैर कार लेकर निकल पड़े। बारिश की रफ्तार तब बहुत ही ज्यादा थी, हवाएं लगातार एक ही सुर में बहे जा रही थी। इसी बीच मैंने जब एक नजर घड़ी की तरफ देखा तो वक्त हो रहा था रात के 10:45 बजे का। रात तो काफी हो चुकी थी, रास्ता भी पूरी तरह से खाली था। अब ये रात का असर था या बारिश के कारण था ये नहीं पता, मगर रास्ते पर हमारी कार के अलावा दूसरी कोई गाड़ी नहीं थी। मैं गाड़ी चला तो रहा था मगर कार चलाने में मुझे काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा था, क्योंकि बारिश के कारण सामने का कुछ भी साफ तौर पर दिख नहीं रहा था। अभी मैं गाड़ी चला ही रहा था कि तभी मेरी बगल वाली सीट पर बैठे सुमित ने मुझसे कहा, तू गाड़ी चला तो रहा है पर हम लोग जाएंगे कहाँ? इस पर मैंने कहा, पता नहीं क्यों, तू क्या बोल रहा है, कहाँ चलना चाहिए? इस पर सुमित बोला, पहाड़ी के पीछे वाले रास्ते पर चले क्या? तो सुमित की बात पर मैंने कहा, वो सुनसान रास्ता, चल वहीं चलते हैं, मजा आएगा। जिसके बाद मैंने कार को उस रास्ते की ओर मोड़ लिया, पहाड़ी के पीछे वाला रास्ता। उस रास्ते के बारे में लोगों का कहना है कि रात में वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। लोग यहां तक कहते हैं कि उस रास्ते पर आत्माओं का बसेरा है, हालांकि किसी ने भी उन आत्माओं को अपनी आंखों से नहीं देखा है, बस लोगों का ये मानना है। पर मैं और सुमित, हम दोनों दोस्त इन बातों पर रद्दी भर भी यकीन नहीं करते थे। हमारा तो ये मानना है कि ये सारी चीजें अस्तित्व में ही नहीं है, इसलिए हम बेफिक्र होकर आगे बढ़े जा रहे थे। कार पूरी रफ्तार से चल रही थी। कुछ देर के बाद जब हमारी कार उस रास्ते पर पहुंची तो वहां का नजारा देखकर एक पल के लिए मुझ जैसे हिम्मत वाले का भी शरीर कांप सा गया। अंधेरे में डूबा हुआ रास्ता और आसपास का जंगल बारिश में काफी खौफनाक लग रहे थे। फिजा में रोशनी का कोई नामोनिशान नहीं था, बस बीच बीच में बिजली चमकने की रोशनी ही आसपास का ही सब कुछ दिखा पा रही थी, वरना गाड़ी की हेडलाइट के अलावा और कुछ भी नहीं था। अभी मैं कार चला ही रहा था कि तभी बगल वाली सीट पर बैठे सुमित ने कहा, भाई ये रास्ता आज कुछ ज्यादा डरावना नहीं लग रहा है? मतलब मैं इस रास्ते पर कभी कदार आता हूं पर इतना डरावना नहीं लगता, आज थोड़ा ज्यादा लग रहा है ना? सुमित की बात में दम तो था, रास्ता थोड़ा ज्यादा ही डरावना लग रहा था, मगर फिर हमने ये कहकर बात को टाल दिया कि शायद बारिश के कारण ऐसा होगा, और हम तेजी से उस रास्ते पर आगे बढ़ने लगे। बारिश अभी भी बहुत ही तेजी से बरस रही थी, साथ ही साथ पिछले 2-4 मिनटों से हवाओं की रफ्तार भी काफी ज्यादा हो रही थी, जैसे सब कुछ उड़ा ले जाएंगी। रास्ते के किनारे खड़े पेड़ हवाओं के कारण रास्ते की तरफ झुक जा रहे थे, लग रहा था कि अभी रास्ते पर गिर पड़ेंगे। इतने में ही सुमित बोला, सुन गाड़ी को जरा साइड में लगा दे, इतनी हवाओं के बीच आगे जाना सही नहीं रहेगा। मुझे भी सुमित की बात ठीक लगी,
पता नहीं कब कौन सा पेड़ गाड़ी के ऊपर गिर जाए। इससे अच्छा यही होगा कि गाड़ी को एक साइड पर कर देना। लिहाजा मैंने सुमित की बात मानकर गाड़ी को रास्ते के किनारे एक साइड में लगा दिया और गाड़ी के सभी खिड़की दरवाजे बंद करके हम लोग अंदर ही बैठ गए और भगवान से ये मनाने लगे कि कहीं कोई पेड़ गाड़ी के ऊपर न गिर जाए। कुछ देर के बाद बारिश तो नहीं रुकी, मगर हवाओं की रफ्तार काफी कम हो गई, जिस पर मैंने सुमित से कहा, अब चलना चाहिए, हवा नहीं चल रही अब। सुमित ने अपना सिर हाँ में हिलाया, जिसके बाद मैं चाबी घुमाकर गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा, मगर ये क्या, मेरी कार चालू हो ही नहीं रही थी। मैंने 5-10 बार और कोशिश की, मगर तब भी कोई फायदा नहीं हुआ। गाड़ी ज्यों की त्यों ही बंद पड़ी रही, जिस पर सुमित ने कहा, क्या हो गया भाई, गाड़ी को तूने तो परसों ही सर्विसिंग करवाई थी, फिर आज बंद क्यों हो गई गाड़ी? सुमित की बात तो सच थी, गाड़ी की सर्विसिंग तो मैंने परसों ही करवाई थी, फिर अब ये गाड़ी का कौन सा नया नाटक है, मुझे जरा भी समझ में नहीं आ रहा था। बहुत कोशिश करने के बाद भी जब गाड़ी चालू नहीं हुई तो मैंने सुमित से कहा, तू जाएगा जरा आसपास से कोई मदद लेकर आएगा? तो इस पर सुमित बोला, अबे पागल, फोन है ना तेरे पास, फोन कर ले किसी को। मेरी जान में जान आई, मैंने तुरंत अपनी जेब से फोन निकाला और किसी को फोन मिलाने जा ही रहा था कि तभी मेरी नजर फोन के नेटवर्क पर गई, तो मैंने देखा कि फोन में नेटवर्क का नामो निशान नहीं है। मेरी परेशानी और भी ज्यादा बढ़ गई। मैंने ये बात सुमित को बताई तो सुमित भी काफी परेशान हो गया, और चूंकि सुमित अपना फोन मेरे घर पर ही छोड़ आया था तो हम डबल फंस चुके थे, जिस पर मैंने सुमित से कहा, भाई अब तो मदद लाने जाना ही पड़ेगा, या तू जा या फिर मैं चला जाता हूँ। इस पर सुमित बोला, मैं ही जाता हूँ, तू गाड़ी में बैठ, छाता वाता है कुछ? क्योंकि गाड़ी के अंदर मैं हमेशा एक छाता रखता था, तो मैंने वो छाता सुमित को दे दिया, जिसके बाद सुमित छाता लेकर निकल पड़ा किसी मदद की तलाश में। अब मैं उस जगह पर बिल्कुल अकेला हो चुका था। हालांकि मैं डरता नहीं था, मगर उस रात माहौल ही कुछ ऐसा था कि कोई भी डर जाए। गाड़ी के सभी खिड़की दरवाजे बंद थे। अभी मैं अपनी सीट पर बैठे बैठे सुमित के वापस लौटने का इंतजार कर ही रहा था कि तभी गाड़ी के पीछे की तरफ से मुझे कुछ आवाज आने लगी, जैसे कोई गाड़ी के पीछे वाले शीशे पर जोर जोर से दस्तक दे रहा हो। मैं तुरंत पीछे पलटा, मगर पीछे पलटते ही वो दस्तक की आवाज बंद हो गई और ना ही पीछे कोई नजर आ रहा था। इस घटना ने मेरे डर को थोड़ा और बढ़ा दिया, भला इतनी रात गए इस रास्ते पर कौन होगा। पर फिर मैंने सोचा, शायद ये मेरे मन का वहम होगा। यही सोचकर मैं खुद को हिम्मत देते हुए अपनी जगह पर बैठा रहा। अभी मैं उस घटना से पूरी तरह से उबरा भी नहीं था कि तभी फिर एक बार मुझे मेरे कानों में दस्तक की आवाज आने लगी। कोई शीशे पर दस्तक तो दे रहा था, मगर पीछे नहीं बल्कि मेरी सीट के बगल वाली सीट के शीशे पर। मैं तुरंत उस ओर पलटा तो सच में मेरी बगल वाली सीट की खिड़की पर एक आदमी खड़ा था, और वो खिड़की के शीशे पर दस्तक देकर खिड़की नीचे गिराने के लिए बोल रहा था। उस आदमी को देखकर मैं थोड़ा चौंक सा गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, खिड़की खोलूं या नहीं, मगर फिर मैंने सोचा, हो सकता है शायद इस आदमी को कोई मदद चाहिए होगी, लिहाजा पहले मैंने खिड़की को उतना ही नीचे गिराया जितने से मैं उसकी आवाज साफ तौर पर सुन सकूं। तो मेरे शीशा गिराते ही उस आदमी ने कहा,
भाई साहब मुझे कुछ देर के लिए गाड़ी के अंदर बैठने देंगे? दरअसल बारिश काफी तेज है। उसकी बात सुनकर मैंने गाड़ी का दरवाजा अनलॉक किया। दरवाजे से होकर वो आदमी मेरी बगल वाली सीट पर आकर बैठ गया। उस आदमी का चेहरा आम इंसानों से कुछ अलग सा था, पर मैंने इस बात पर उतना ध्यान नहीं दिया। तभी उस आदमी ने मुझसे पूछा, आप इतनी रात गए इस रास्ते पर क्या कर रहे हैं? तो इस पर मैंने जवाब दिया, जी वो क्या है कि हमारी गाड़ी खराब हो गई है, मेरा एक दोस्त मदद लाने गया है, पर आप इस रास्ते पर क्या कर रहे हैं? इस पर उस आदमी ने कहा, जी मैं तो यहीं पर रहता हूँ इसी रास्ते पर, कभी किसी के गाड़ी में बैठ जाता हूँ तो कभी किसी के पीछे पीछे उसके घर चला जाता हूँ। उस आदमी की ये बात मुझे बड़ी अजीब लगी कि भला ये कौन है जो सबके पीछे पीछे घर चला जाता है। जिस पर मैंने उस आदमी से पूछा, आपको कोई कुछ बोलता नहीं आप पीछे पीछे घर चले जाते हैं तो? इस पर वो आदमी बोला, मैं बहुत कम लोगों को दिखता हूं जैसे आपको दिखा। उस आदमी की बेतुकी बातों को सुनकर अभी मैं परेशान हो ही रहा था कि तभी मेरी नजर नीचे उस आदमी के पैरों की तरफ गई, तो मैंने जो देखा वो देखकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि उस आदमी के दोनों पैर पीछे की ओर मुड़े हुए थे, यानी उल्टे थे। अचानक से मेरा डर सातवें आसमान पर चढ़ गया, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। डर और घबराहट मुझ पर इस कदर हावी हो गया कि मैं वहीं पर बेहोश हो गया। फिर जब मेरी आंख खुली तो सुमित मेरे मुंह पर पानी के छींटे मार रहा था। वो उल्टे पैरों वाला आदमी गायब था। उस रात तो मुझे कुछ नहीं हुआ, पर वो था क्या ये आज तक पता नहीं चल पाया। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।